यार मेरा नू समझ में ना आवे, दिल्ली की छोरी इतनी सुथरी सुथरी रहे हैं पर उनके बॉयफ्रेंड हमेशा गंदी शक्ल के ही पाएंगे। अगर दिल्ली में बढ़िया छोरा ना है तो वे यूपी हरियाणा साइड क्यों ना ट्राई मारे, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। हाँ भाई कह तो तू सही रहा है, मेरी सेटिंग तो दिल्ली की है। देख ले मैंने तेरे तो कही थी ना सारे गंदी शक्ल के ही पसंद आवे। ओ भाई गंदी शक्ल किसे कह रहा, कल ही पूरे 250 रुपए खर्च करके आया हूँ अपने चेहरे पे, फेशियल स्क्रब सब चीज करवा ली, देखेंगे तो चमक मार रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभी अभी तवा मांझ कर रखा हो, चमक रहा है कति। ले एक काम कर चिलम भर ला जल्दी जाके। जो तो तब मेरे दोस्तों तभी इतनी बेइज्जती सहन कर लूं मैं, वरना इस फौलादी शरीर के सामने ना किसी की जुबान ना खुले। बस बस पहलवान जी कोई सुन लेगा तो खामखा घबरा जाएगा, जा चिलम भर ला जा। घर के हमारे राजकुमार कह मैं और यहाँ राजकुमार चिलम भरता डोल रहा। अरे यार मनीष इसकी ज्यादा बेइज्जती मत करे कर, किस दिन दिल पे लग गई ना बात जहर वहर ना खा ले। अरे कुछ ना हो रहा, तू ज्यादा टेंशन मत ले कर, फुल फ्रैंक हो जा। अरे पटियाला न्यू ईयर का क्या प्लान है, सेटिंग वेटिंग के साथ जा रहा है कहीं या ना? हाँ भाई जाना तो था, गोवा का प्लान बन रहा था। मतलब तेरी सेटिंग है? मैं तो मजाक कर रहा था यार, क्या नाम है उसका? आंचल नाम है उसका। आंचल जो साउथ सिटी में रह गए? हाँ। डी ब्लॉक वाली? हाँ भाई। तो भाई प्लान कैंसिल क्यों कर दिया, गोवा तो पूरी दुनिया जा रही है अब। अरे भाई उस बिचारी का एक्सीडेंट होगा, सगुटी पर गिर गई, दोनों गोडे छिल गए उसके। गोडे तो हो गए ठीक, यहाँ थोड़ा सा ना थाई पे चोट लग रही है बस। ना ना वो भी फिट है, एक नंबर, कोई दिक्कत वाली बात ना। सालो तुम दोनों ने मेरे से बताई क्यों ना थारी उससे सेटिंग चल रही है। भाई अभी बताई तो सही, इससे पहले आज तक उसकी बात ही ना हुई तो कैसे बताते। और भाई प्यार तो तैरते ही कर रहे यार सच्चा, हम तो टाइम पास कर रही थी। और के मैंने थारते बात ही ना करनी। ओ भाई सुनना यार, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। अच्छा एक काम कर, अगली बार हमारे कॉन्टेक्ट में जो भी लड़की आएगी ना वो लड़की तेरी। खुश है अब? बता खुश है अब? माल है यार, माल मत बोल, भाभी है तेरी। देख ले भाई अभी इसने कही ना कि जो भी मोहल्ले में छोरी आएगी मेरे तो सेटिंग करवाएगा उसकी। मैंने तो ऐसा कुछ ना सुना, और वैसे भी ये तो मेरे लिए बनी है, मैं ही पटाऊंगा इस नाते। ओ हेलो तेरे बस की ना कुछ भी आ पटियाला, हम बताते हैं आ जा। ओए ये रे भाई क्या सही जुगाड़ है यार, मुझे तो प्यार हो गया इससे। अबे साले चिंदी तेरे पास तो कीपैड वाला फोन हो करता कल तक, यो फोन कहां आया, इतने पैसे कहां आ रहे हैं? अरे भाई बिनोमो ऐप है तो। बिनोमो ये क्या है भाई? भाई बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है और 2021 में तुझे इसमें पैसे भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, तू फ्री में अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। तुझे करना क्या है, टूर्नामेंट सेक्शन में जाना और अपने डेमो अकाउंट से ट्रेड करना है जिसमें तू 8,000 से लेके 2,00,000 तक के कैश प्राइज जीत सकता है। और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी टूर्नामेंट रहने वाली है, 15 जनवरी से पहले साइन अप कर अपने रियल अकाउंट से या डेमो अकाउंट से। और हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जल्दी से जाके साइन अप कर। और हाँ अगर साइन अप करते टाइम तू मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेगा तो तुझे डिपॉजिट के टाइम पर 100% बोनस मिलेगा। बस डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस के बाद तू सीख जाएगा स्टॉक कैसे अप होता है और डाउन होता है, फिर तू आसानी से प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि स्टॉक अप होने वाला है या डाउन होने वाला है। पर भाई ये विड्रॉल कैसे करेंगे? भाई तू पैसे बहुत ही आसानी से पेटीएम से विड्रॉल कर सकता है, अब तू ज्यादा टेंशन मत ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्रोमो कोड है, वहां से जाके डाउनलोड कर और 2021 की अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर। सही है यार आज ही करता हूँ, चल बना ले वीडियो। अब ये कहां गई लड़की और निकलवा देते ना, चला उधर साइड से देखते हैं आजा। अरे मेरी मैया, यो के देख लिया मैंने,
आइयो एक बार। जादूगर जी कहाँ घूम के आ रहे हो? कैसा है, क्या दिक्कत है? भाई हमें भी बताना, तूने उस लड़की को इतनी जल्दी अपना दोस्त कैसे बनाया? ऐसी क्या स्कीम है? भाई बताना क्या स्कीम है, बताना। यार मैं बता तो दूं पर पैसा लगेगा। बस इतनी सी बात, पैसा दे भाई को। भाई मां कसम तेरे पैसा दे दूंगा, पर्स नीचे गाड़ी में रखा है, इतने बताना यार तू। अरे वो चिंदी चोर, चल मैं बताता हूँ। तो हुआ ऐसा कि नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। वो अभी एक लड़की आई है ना यहाँ पे, जो अभी अभी आई है बिल्कुल। अरे क्या नाम था उसका, जो अभी आई है बिल्कुल? नम्रा। हाँ नम्रा, उसको कुछ काम था, वो काम के लिए ही तो आई है ना यहाँ। अरे काम था यार उसको, मैं दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कोचिंग में एडमिशन? हाँ कोचिंग में एडमिशन लेना था उसको, तो मैं करा देता हूँ उसका एडमिशन, पड़ोसी होने के नाते तो इतना कर ही सकता हूँ, तो भेज देते तो आप। नम्रा आ रही है। यार तेरा सही है, लड़की की सारी डिटेल अंकल से उगलवा दी है। दोस्त बना ली क्या भाई तुमने वो? और के खास दोस्त अपनी, उस घर में एक अंकल रहे, अब उसकी भतीजी है, भांजी है, पोती है, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो लड़की पटानी है। भाई हमें भी मिलवाना यार उससे। चल शकल देखे तुम दोनों ना अपनी, टाइम खराब मना करो मेरा। ओए सुन, या तो हमें उससे मिलवा दे वरना तेरी सारी पोल पट्टी खोल देंगे उसके सामने, ठीक है? यार यो के बात हुई, हमारी पहले ही बात हो गई थी ना कि किसी के बीच में ना आएंगे। बात तो यो भी हुई थी कि कोई किसी से धोखा ना देगा। हाँ। तीनों को बराबर का हक मिलना चाहिए। हाँ भाई यो सही कह रहा, तुम दोनों मिलके मेरी सेटिंग करवाओ, वैसे भी सर्दी आ गई और बहुत टाइम हो गया यार सेटिंग करे भी। बिल्कुल सही कह रहा है यो, तू एक काम कर उस लड़की को कल यहीं बुला ले, इसकी सेटिंग करवा देते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर कल बुला लेता हूँ मैं उसको यहाँ। पर भाई वो तो इंग्लिश मीडियम है शकल तेरी, और तेरे तो बिल्कुल समझ ना आवे, लेकिन तू टेंशन मत ले, तेरा भाई करवाएगा तेरा जुगाड़, तू बस ना दो के टाइम पा जियो। थैंक यू भाई। नम्रा ये मेरे दोस्त हैं मनीष सचिन। हेलो। शट अप बी। हाय। नम्रा जी आपसे कुछ बात करनी थी, एक बार कोने में आओगी? जितने एक बार तू भी आई हो, तू यहीं रुक, तेरी सेटिंग की बात करनी है। हाँ बोलो क्या बात करनी थी। देखो अब तुमसे क्या छुपाना, दरअसल हम तीनों को ही तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन कंपटीशन तो हम दो के ही बीच है, अब तुम्हें वो तो पसंद आएगा नहीं, इसलिए तुम हम दोनों में से डिसाइड कर लो कि तुम्हें ज्यादा अच्छा कौन लगता है, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ऐसा है, बात आगे बढ़ाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और रही तुम तीनों में किसी के अच्छा लगने की बात, तो तुम तीनों में तो मुझे सबसे अच्छा वही लगता है। क्या तू जाकर उसे संभाल, कैसी बात कर रही हो यार तुम, क्या पसंद आ गया उसका? सब कुछ खराबी के, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, बॉडी है, फिट है और सांवला भी है। क्या कह रही है भाई वो? मना कर रही है, कह रही काला है। काले पिसाब दी शकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काले पिसाब ना लिबाज रहे। देखा देखा कितना बदतमीज है ये, और तुम इसे पसंद करने की बात कर रही थी। छी तू, आज के बाद ना तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। बुरा लग रहा है ना तुझे, दुख हो रहा है ना? मुझे भी कल बहुत हुआ था जब जतिन ने उस लड़की के सामने तेरी बुराई करी, तेरा पत्ता कट करने के लिए। इसका मतलब जतिन ने पत्ता कट करवाया मेरा? हाँ दोस्त, मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन तेरी दोस्ती और भोली सूरत के सामने मैं मजबूर हो गया, लेकिन वो लड़की अभी यहाँ आ रही है, तो प्लीज जतिन की तरह उसके सामने उसकी बुराई मत करियो। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। जतिन 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 कहाँ है? पता नहीं, होगा अपने किसी गर्लफ्रेंड के साथ। क्या मतलब? बिल्कुल सही सुना तूने, एक नंबर का लड़की बाज है वो, और लड़कियां तो ऐसे बदलता है जैसे लोग कपड़े बदलते हैं।
क्या बकवास कर रहे हो? और ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया करी ऐसी बातें? तो अब हम अपने दोस्त की बुराई अपने मुंह से कैसे कर सकते हैं? सच्चाई तो ये है कि हम तीनों में सिर्फ मैं ही शरीफ हूँ और दूसरे नंबर पे ये। हाँ भाई, क्या बात चल रही है? इसे क्या होगा? होना क्या था, जैसे कल तैने मेरी बुराई की आज मैंने तेरी कर दी। मैंने समझ गा, यो सब कुछ करा धरा इसका है, यो हमारे पत्ते काट के अपना काम सेट करना चाहे। पर कोई बात ना, कल नया साल है ना, जाकर आई लव यू बोल दूंगा और हमेशा के लिए अपनी बना दूंगा। अगर ऐसी बात है तो देख लेंगे वो किस तरह करेगी और किस तरह। तो फिर ठीक है, मैं भी देख लूंगा। तुम्हें आई लव यू टू। आई लव यू टू? हम तीनों यहाँ हैं तो यू किस आई लव यू टू कर रही है? यू कितनी अश्लील छोरी है, अपने अंकल से आई लव यू टू बोल रही है। ओ अंकल, कौन अंकल? मैं कोई अंकल वंकल ना हूं, बॉयफ्रेंड है ये मेरा। बॉयफ्रेंड? यो कैसे बॉयफ्रेंड हुआ? तुम्हारी तो उम्र भी मैच ना कर रही। ओए, सरकारी नौकरी 2 लाख रुपया पर मंथ, बता क्यों ना रही? हद होगी यार, पैसों के चक्कर में किसी से पट जाओगे। ओ तेरी ऐसी तैसी, खोल बेल्ट खोल। आ, आ। मैं करवाऊ तुम्हारी सेटिंग, रुक जा। Jump!